Friends, welcome to my channel Learn English with Ram. दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि tell me something about yourself or give me your introduction, तो आप वहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि इंट्रो देते वक्त क्या चीज़ हम इंक्लूड करें और क्या चीज़ एक्सक्लूड करें. आज हम इसी कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, How to introduce yourself. आप जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने जाएं, तो सबसे पहले आप उन्हें विश करें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर. इसके बाद आप कहें सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताएं. माय नेम इज, जो आपका नाम है, रामचंद्र रोहिल्ला. इसके अलावा इसके दो तीन और प्रकार हैं. आप कह सकते हैं माय सेल्फ रामचंद्र रोहिल्ला, आई एम रामचंद्र रोहिल्ला. लेकिन मैं ये बता दूं कि माय सेल्फ और आई एम में डिफरेंस क्या है. माई सेल्फ और आई एम, इनका प्रयोग इनफॉर्मल वे में किया जाता है, जबकि माई नेम इज़ का प्रयोग फॉर्मली किया जाता है. यहाँ पर एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि माई सेल्फ इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बिकॉज माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इट इज़ ऑलवेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट. और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में. Therefore, instead of myself and I am, use this one. Second point is place. Where are you from? You can say that I am from Haryana. Or you can say that I hail from Haryana. I belong to Haryana. Third point is talking about your education qualification. You can simply say that I'm graduate, I'm postgraduate, or you can say that I have completed my BSc, MSc with 84%, 94% from MD University Rohtak. यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप ये ना बताएं. और अगर आप फिलहाल स्टडी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग बी एस सी, एम एस सी और एट्सेट्रा. अगर आपके पास जॉब से रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीचिंग एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ. यू कैन से दैट आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, अगर आप जर्नलिस्ट के इंटरव्यू में गए हो तो. और यू कैन से दैट आई एम अ मल्टीटास्कर और आई एम गुड एट शॉर्ट एंड टाइप. अदरवाइज यू कैन से दैट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड. वीकनेस, दोस्तों अपनी वीकनेस इस ढंग से बताएं कि वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ नज़र आए. फॉर एग्जाम्पल I am not comfortable until I finished my work in a given time. Or you can say that I can't say no to people. Next is talking about family. You can simply say that including me, there are 5 members in my family. Agar interviewer aapse aur expect kare, आप इसमें ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव 3 siblings. Siblings means brothers and sisters. Talking about your hobbies, you can say that I like reading books, watching TV, collecting stamps, gardening, listening to music. जो भी आपकी हॉबी है आप उसके बारे में बता सकते हैं. कोशिश ये करें कि आप वही हॉबी बताएं
जिसको आपके नॉलेज हो आपको, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है. इफ़ यू से आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है विच टाइप ऑफ बुक्स यू रीड, हु इज़ योर फेवरेट ऑथर, और टेल मी समथिंग अबाउट द बुक दैट यू रिसेंटली रेड. इसलिए आप फुल्ली प्रिपेयर होकर जाएं. नेक्स्ट, फाइनली आप अपने एम के बारे में, गोल के बारे में बताएंगे. आप गोल्स को आप दो भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म्स गोल. शॉर्ट टर्म गोल्स में यू कैन से दैट माय शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, और माय लॉन्ग टर्म गोल इज़ आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन. फाइनली आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. दोस्तों, मैंने इसी तरह के दो तीन सैंपल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दिए हैं ताकि आप उन्हें रीड कर सकें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड लक.